एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो कैसे हैं आप सब? आई होप यू कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही है, मतलब मेरा हेड पेन इतना ज़्यादा हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया। आजकल बहुत ज़्यादा हेड पेन होने लगा है मुझे, और देवघर से आई हूँ ना, तो तबीयत ऐसे भी ठीक नहीं रह रहा है। मतलब अभी थकान की वजह से, वैसा मतलब कुछ हुआ नहीं है, बट थकान जो है, नींद पूरी नहीं हुई है। और इनफैक्ट मेरे साथ ऐसा हुआ है ना कि जो देवघर में जो छाले पड़े थे ना पैर में, मतलब फोड़ा जो हुआ था, वो घर पे आने के बाद ना, मतलब एक और हो गया। वहाँ तो था, लेकिन घर पे आने के बाद भी एक और हो गया, तो उसकी वजह से ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मतलब तबीयत ठीक नहीं लग रही है। और चौहान जी को धनबाद, इनका भी नींद पूरा नहीं हो रहा है, सोए हुए। आपको एक बात बताऊं, चौहान जी थोड़े थोड़े गोरे होते जा रहे क्योंकि इधर 10 दिन की छुट्टी पे थे ना, तो ऑफिस जा नहीं रहे थे, तो उसकी वजह से क्या हुआ ना कि मतलब उनका पहले जैसा गोरापन आ रहा है, बट आज ही चौहान जी कह रहे थे कि कल से तो ऑफिस जाना पड़ेगा ना, 2-3 दिन अभी इधर छुट्टी हो गया। मैं इस ब्लॉग को, मैं तो देवघर से आने के 2-3 दिन के बाद शूट कर रही हूँ, तब से इच्छा ही नहीं हो रहा था कि ब्लॉग शूट करूँ, क्योंकि इतनी थक गई थी ना कि सिर्फ सोने पे ही ध्यान रहता है। अभी भी पता है रात हो गए है और मेरे को इतना हेड पेन हो रहा है, मेरे को नहाना है। मेरी एक दो वीडियो है जो पेंडिंग पड़ी हुई है, वो मतलब इमिडिएट मुझे बना के सबमिट करना है, बट मेरे से नहीं हो पा रहा है। मैं कितना भी कोशिश कर रही हूँ, मुझे नींद आ ही जा रहा है, और थकान की वजह से मैं बैठ ही नहीं पा रही हूँ, इस वजह से वो स्किप हो जा रहा है। बट आज मैं सोच रही हूँ कि नहीं, मेरे को करना है, इसी वजह से मैं अभी हेयर ऑयलिंग की हूँ। और ये वाला बाम, जैसे पहले भी बताया था मैंने कि ये बाम बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी मतलब रिकवर कर देता है, जो भी सिर में दर्द हो रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। तो मैं उम्मीद की हुई हूँ कि जल्दी ठीक हो जाए, ये पतंजलि का बाम है, तो जल्दी ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद फिर मैं नहा कर और वीडियो पर बैठूँगी। गाइस, यहीं पे फोड़ा हुआ था, अभी 2-3 दिन हो गया ना वहाँ आए हुए, तो थोड़ा कम गया है मतलब, लेकिन ऐसा नहीं है, ये फोड़ा अभी भी दर्द देता है। यहाँ पे हुआ है, देखो छूने पे भी दर्द हो रहा है, चलने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और इसी पैर में दोबारा हो गया था मुझे, एक फूटा था और एक और फिर हो गया था, और इसमें भी है ये, तो दोनों ऐसा हो गया है ना, मतलब चलने में इतना दिक्कत होता है। मैं तो स्लीपर पहन के घर में चल रही हूँ, क्योंकि इसके बिना चल ही नहीं पाती। गाइस, सर दर्द तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हो गया है। बाम मैंने 2-3 बार लगाया, फिर भी ठीक नहीं हो रहा, जो कि हमेशा मेरे को ठीक हो जाता था। और ना मुझे थोड़ा लग रहा कि फीवर आ रहा है, फीवर जैसा थोड़ा मन हो रहा है, मतलब गर्म कहते ना, गर्म गर्म हवा मतलब नाक से मुंह से ऐसा निकल रहा है। और मैं सोच रही हूँ कि अब नहाना कैंसिल करना पड़ेगा, मैं नहीं कर पाऊँगी। और पता नहीं, जब भी मैं वीडियो बनाने के लिए सोच रही हूँ ना, तब मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, ऐसा हो रहा है ना, मतलब परेशान हो गई हूँ, मतलब तबीयत ही ठीक नहीं रह रहा। खैर, ये सब ठीक है, कल तक अगर ठीक हो जाऊँगी तो मॉर्निंग में बना लूँगी। और चौहान जी खाना खा चुके हैं और मैं भी खाने में बैठ रही हूँ। ये रोटी और सब्जी मैंने लिया है, और इधर देख सकते हो कपड़े जितने धुला रहे हैं ना, वो सब ऐसे लाला के रखे जा रहे हैं, मतलब मैं उसको फोल्ड नहीं कर पा रही, मन नहीं कर रहा फोल्ड करने का, इसी वजह से रह जा रहा है। तो अभी मैं खा लेती हूँ, खा के दवा खा कर और सो जाऊँगा। चौहान जी भी सो चुके हैं, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं, उनको भी थोड़ा सर में दर्द हो रहा था, तो मैंने बोला सो जाने को, तो सो गए हैं वो। गाइज, मैं खाना पीना खाकर, दवा खाकर और वीडियो एडिट में लग गई हूँ, बिकॉज क्या है ना कि कितना भी तबीयत ख़राब हो जाओ, काम तो करना ही है, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे एडिट कर रही हूँ। प्लस में आज पूरा दिन मेरा बेकार गया है, मैंने कोई भी काम नहीं किया। अभी बज रहे हैं 11:30 रात के, एंड मुझे अभी आधा घंटा और लगे, यानी 12 बज ही जाएगा मुझे सोते सोते। और मैं रूम में सो रही हूँ, चौहान जी हॉल में सो रहे हैं, क्योंकि मुझे वीडियो एडिट करना था, तो इसी वजह से वहाँ पे मैं नहीं कर पाती, वो सो रहे हैं ना, तो डिस्टर्बेंस होता, तो इसलिए मैं यहाँ पे रूम में आकर ऐसे काम कर रही हूँ। और आप लोग से मिलूँगी सुबह। गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो सुबह हो गई है और मैं सुबह उठकर
बहुत सारे काम कर ली हूँ, बस मुझे झाड़ू लगाना है। मतलब अभी फिलहाल में देख सकते हो कितना कचरा निकाला है मैंने, इधर है इधर है। और वो रूम में मैं दिखाती हूँ, वो रूम में एक्चुअली कल दिखाया था ना मैंने कि बहुत सारे कपड़े मेरे रखे हुए हैं, मैं फोल्ड नहीं कर रही हूँ। तो आज क्या हुआ ना कि मैं सुबह उठते के साथ बेड पे ही सारे कपड़े फोल्ड करके मैंने रख दिया वहाँ पे जहाँ पे मेरा कपड़ा रखा था। तो मेरा ये काम हो चुका है जो कि बहुत बड़ा मेरे लिए टास्क लग रहा था। 3-4 बार कपड़े धुला गए थे और बस ऐसे ही रखे जा रहे थे, तो वो हो गया। और मेरा तबीयत ना अभी भी उतनी अच्छी नहीं लग रही है। मतलब मुझे कल रात में फीवर था क्योंकि मैं दवा खाई, उसके बाद बहुत तेज़ मुझे मतलब स्वेटिंग हुई तो मेरा मन हल्का हुआ। उसके बाद अभी भी मेरा मतलब हेड पेन हो ही रहा है। सुबह उठ के मैं फिर से बाम लगाई हूँ लेकिन अभी भी मतलब प्रॉपर ठीक नहीं हुआ है, हेड पेन हो ही रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। और जल्दी से मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, अभी बर्तन भी थोड़े धोने बाकी हैं और खाना बनाऊँगी, नहाऊँगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि मुझे इस तरह से ना बीमारिया टाइप से रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। और जब भी मैं बीमार पड़ती हूँ तो हो ही जाता है, जैसे हेयर में ऑयल लगाया तो ऐसे ही लग रहा है कि मैं कितना बीमार हूँ। तो मैं आज हेयर वॉश भी करूँगी और अच्छे से नहाऊँगी, शायद मेरा मन ठीक हो जाए। तो सबसे पहले तो झाड़ू वगैरह करने के बाद ही कुछ करूँगी, झाड़ू करूँगी, बर्तन धोऊँगी। तो थोड़े बहुत ये सब काम बच रहे हैं तो वो करने के बाद ही मैं नहाऊँगी ताकि मैं मतलब फ्री हो जाऊँ। गाइस तो बर्तन भी धो लिए और झाड़ू भी लगा लिया, अब मैं थोड़ा सा खाऊंगी। वो क्या खाऊंगी वो बता रही हूँ, ये पेड़ा जो कि बाबा धाम से यानी देवघर से मैंने लाया था, बहुत टेस्टी होता है, बहुत टेस्टी। ऐसा पेड़ा मतलब इधर आप मार्केट में ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, बट ये वाला बहुत टेस्टी होता है। और हाँ, देवघर में भी ऐसा नहीं कि देवघर में आपको हर जगह पे पेड़ा अच्छा मिलेगा, अगर आप जानते हो कि यहाँ पेड़ा अच्छा मिलता है, जैसे आपको किसी ने रेफरेंस दिया है तो आप वहाँ से जाकर लेना, तो बहुत अच्छा पेड़ा मिलेगा और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो इसको खाने के बाद मैं नहाऊँगी, उसके बाद फिर आगे देखते हैं क्या करना है। बहुत अच्छा होता है, ज़्यादा मीठा नहीं है सबसे अच्छे, और ज़्यादा चीनी चीनी वाला फीलिंग नहीं आता। गाइस पूरा मेरा फोरहेड रेड हो गया है, रेडनेस आ गई थोड़ा थोड़ा आईब्रोज के तहत भी, क्योंकि मैंने अभी स्किन केयर किया और इस बार मैंने अपने आईब्रोज को चेंज किया है, मतलब थोड़ा पतला किया है ताकि मैं जब इसको फिल करूँ ना तो अच्छा लुक आता है। मतलब पहले भी मैंने कुछ टाइम मैं मोटा रखती हूँ, कुछ टाइम मैं पतला रखती हूँ, तो ऐसे करके क्योंकि मेरे हाथ में ही है, मैं खुद से बनाती हूँ तो अपने अकॉर्डिंग मैं चेंज करते रहती हूँ। एक टाइप का हमेशा अच्छा नहीं लगता तो थोड़ा थोड़ा कभी कभी चेंज करती हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने क्योंकि मेरी स्किन केयर हो चुकी है, पूरा हेयर को रिमूव किया मैंने फेस से भी, तो ये भी हो गया मेरा। तो अब मैं चली नहाने। गाइस मैं नहा कर आ गई, अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है एंड खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा क्योंकि फीवर है मुझे। तो मैं सोच रही हूँ कि मैगी खाती हूँ क्योंकि थोड़ा फीवर ठीक हो जाएगा ना, तो उसके बाद फिर खाना भी खाऊंगी, लेकिन थोड़ा मैगी खाने का मन हो रहा है तो मैगी खाते हैं, वो भी तीखा वाला, एकदम तीखा से बनाएंगे।
इधर हमारा पानी गर्म हो चुका है और इसमें डालेंगे सब्जी। ये लहसुन मैंने कद्दूकस किया है तो थोड़ा लहसुन डालेंगे, उसके बाद थोड़ी सी मिर्च, थोड़ी सी क्या मतलब मैंने दो काटी है और अच्छा खासा अमाउंट में, और ये मिर्च तीखी भी है, और थोड़ी सी टमाटर, ये बॉइल्ड मैगी बन रहा है, फ्राई मैगी मैं नहीं बना रही हूँ, ये खाने में मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। कश्मीरी लाल मिर्च है तो इसको भी डालेंगे। इसको अच्छे से चला के उसके बाद इसको ढक के छोड़ देंगे, अच्छे से बॉयल हो जाएगा, उसके बाद इसमें मैगी डालेंगे। और हाँ, नमक भी मैं डालूँगी अभी। इसको ढक देंगे, थोड़ी देर बाद मैगी इसमें डाल देंगे। मेरी मैगी रेडी हो गई है, मैंने इसमें मैगी और मैगी मसाला दोनों डाल दिया था, तो अच्छे से ये बॉयल भी हो गया, बहुत टेस्टी लग रहा है देखने में। और जल्दी सब खाने की बात ही है, मैं मैगी और रोटी दोनों ली हूँ क्योंकि मैं अभी खाऊंगी। अभी क्या है ना कि मुझे वीडियो शूट पे बैठना है तो 5-6 घंटे मुझे लग जाएंगे, तो मैगी क्या है कि वो तो पेट में पच जाएगा ना, तो इसलिए मैं रोटी ली हूँ। और मैगी रोटी मैं खा लेती हूँ क्योंकि हॉस्टल में मैं खाती थी तो उसी से आदत हो गया, तो मैं खा लेती हूँ। पहले मैगी देखते हैं कि मैगी कैसा बना है। अच्छा बना, और ये वाला फ्लेवर मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो फ्राई किया हुआ मैगी से ज़्यादा अच्छा लगता है। गाइस, तो खाना खा के मैं सो गई थी, मतलब 2 घंटे सोया, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब फीवर आया हुआ था ना, अच्छा नहीं लग रहा था। कोशिश कर रही थी कि मतलब नहीं सोऊं, लेकिन फिर भी नींद बहुत तेज़ आ रही थी तो सो गई। अभी उठी हूँ और शाम होने को आ गया है और मैं जा रही हूँ वीडियो शूट पे, तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पेंट करती हूँ, फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा गाइस, और कमेंट कीजिए कि 1 लाइक देखकर मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय, लव यू ऑल।